मैं भोले बाबा। नदियों के 74 तीर्थों का जल है। ओम गंगा गंगेतियो ब्रयातियो जनानां सर्वती मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। आज हम इस पवित्र पावन पुनीत पुष्कर तीर्थ धाम शिव घाट में माँ गंगा की इस गोद में 74 तीर्थों के जल से अभिषेक करने का, पूजन करने का सौभाग्य मिला। आज कथा का प्रथम दिवस भगवान श्री राम की कथा पुष्कर तीर्थ भगवान भोलेनाथ के इस स्थान पर, और आज इस मानसरोवर के जल से 74 तीर्थों के जल से ये अद्भुत संयोग बन रहा है। हमारे साथ सारी पवित्र आत्माएं यहाँ पर उपस्थित हैं। भोले बाबा सब पर खूब कृपा करें। बोले गंगा मैया की जय। हमारी नदियों को गंगा मैया जैसा सम्मान मिले उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। कम से कम इतना तो करें कि कचड़ा इसमें जो अगर गिर जाए उसको निकालें, है ना। जैसे अभी अपन ने कचड़ा बीना थोड़ा सा, अगर दो दो चार चार कचड़ा पन्नी हम लोग बीन लेंगे तो कचड़ा साफ हो जाएगा और किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जय गंगा मैया की। यहाँ किस नाम से बोली जाती है माता जी? नहीं, जो गंगा जी का जो और कोई नामकरण हुआ घाट है, शिव घाट का ही हम लोग इनके नाम से जानते हैं। हम लोग करते थे, हम भी वही कह रहे हैं। आज से 75 तीर्थों के जल से अभिषेक हुआ करेगा। बोले गंगा मैया की जय, महानदी मैया की जय। और फिर पुनः एक बार हम अपनी क्षेत्र की सभी नदियों को गंगा जैसा सम्मान दिलाएं, ऐसा प्रयास करें। अपनी नदियों को गंदा नहीं होने देंगे क्योंकि नदियां हमारी माँ हैं। बोले भारत माता की जय, धरती माता की जय, और पुनः एक बार गंगा मैया की जय। ये होते हैं संकल्पवान लोग, ये होते हैं। क्या नाम भैया आपका, कहाँ के हैं आप? बनाओ एक वीडियो बना दीजिए। हमारे प्रहलाद यादव जी हैं और इनने कहीं ना कहीं भोले बाबा की इस प्रेरणा से, कृपा से आज से संकल्प ले लिया कि मैं अपने जीवन में गुटखा या नशे का कोई सामान नहीं बेचूंगा। नहीं, सिर्फ गुटखा पर चलेगा क्योंकि मजबूरियां आती रहती है, गुटखा नहीं बेचूंगा। चलो आज से भैया हमारे गुटखा नहीं बेचेंगे, बहुत बड़ी बात है, है ना। और हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपने इतना भी संकल्प लिया है, तो ये बड़ी बात है, है ना। हम लोग तो क्या है, क्या सहयोग करना चाहिए। हम लोग ये भी नहीं कि ये भी पहले गुटखा खरीद लेते बढ़िया काम में, ये प्रसाद स्वरूप आप जो है। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि आपने जहर खिलाना छोड़ दिया। अच्छा, खाने वाले कौन कौन छोड़ रहे हैं? ये तो बेचना छोड़ दिया, बेचना बहुत बड़ी बात, मानो बेचना छोड़ देना बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। इनका जो यादव जी का जो संकल्प है ना, यादव जी को संकल्प के लिए जो है हम हृदय से बारंबार नमन करते हैं। इनका संकल्प, इनने जो है गुटखा बेचना नहीं स्वीकार कर लिया कि हम नहीं बेचेंगे गुटखा। हम भैया आपको जो है, ये दुकान आपकी चाट की? और भैया सब लोग, आप लोग साई ना यहीं चाट खाना, ठीक है? हाँ ठीक है भैया, ठीक है, खूब आनंद करो आप, बढ़िया जो है खूब अच्छे खिलाओ लोगों को। कितने का देते हैं चाट? हृदय से
सकल गुण निधानम मानिनानामृदीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वाधावरमुक्तो धनधान्यं सुतान्वितम् मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य न संशय Thank you.
विराजमान है। एक मर्यादा, एक परंपरा, व्यास पूजन, उसके बाद आज कथा के प्रथम दिन में हमारा प्रवेश होगा। जितने भी पवित्र आत्माएं यहां पर उपस्थित हैं, हमारे हाँ
रामायण मैया की जय हो। तो हमारी जन्मभूमि सबसे बड़ा तीर्थ है, पता कैसे चलेगा? इतना कह देने से लोग मान लेंगे? नहीं, इतनी जल्दी नहीं मानते हैं लोग। आपको 4 साल लग गए लेकिन अभी भी नहीं मान रहे लोग, ठीक है, लेकिन मानेंगे आप। बनारस कहाँ, थोड़ा इशारा भी करके बताना, यही, ठीक है। और कोई अगर मोबाइल में तो बच्चों किसी को तो नीचे से कोई वीडियो बनाने वाले हो तो नीचे दे दो। थोड़ा हृदय से बोलना है ना, अच्छा लगेगा। और इसके बाद बिल्कुल तुरंत विश्राम करेंगे। यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। जान सको पहचान सको तो सबके अंदर राम है। यही अयोध्या, यही बनारस, यही धाम है। जान सको पहचान सको तो अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। जान सको पहचान सको तो, जान सको पहचान सको तो सबके अंदर राम है। यही अयोध्या, यही कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृत जाते हैं, कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृत सर जाते हैं, कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृत सर जाते हैं। जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते हैं, जो बैठा है सबके अंदर उसे बोलो राम राम राम, बोलो